जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में एमपी पुलिस भर्ती 2019 की बात करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन या कह सकते हैं आप कि ऑनलाइन आवेदन जुलाई माह में शुरू हो जाएगा। अब बात ये आती है कि कितने जुलाई से प्रारंभ होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक से प्रारंभ होगा या लास्ट वीक से प्रारंभ होगा। इसके लिए हम बता दें कि जितना जल्दी जो आपके मध्य प्रदेश में विवाद चल रहा है, काहे का विवाद चल रहा है, आयु संबंधित जो विवाद चल रहा है कि अभी सरकार ने सभी की एज घटा दी है और बाहर के राज्य वालों की एज क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब सुनने में आ रहा है कि सरकार आयु जो पहले 40 वर्ष थी तो उसको बढ़ा के 42 वर्ष करने वाला है, जो सरकार कितना कर दिया था 35 वर्ष, तो 7 वर्ष सरकार आयु फिर से बढ़ाने वाली है। तो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। तो जितना जल्दी इसका विवाद सुलझ जाएगा, उतना ही जल्दी मध्य प्रदेश एमपी पुलिस का जो है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो जो आपका 2 साल का लंबा इंतज़ार था तो अब बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। ये मैं आपको अभी मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट है उसके माध्यम से ऑफिशियल दिखा देंगे कि उन्होंने वहाँ क्या लिख के ट्वीट करके किया है कि कितना जल्दी मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती का ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की बटन को दबा लें, जिससे आपको समय समय पर पूरी जानकारी मिलती रहे। और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि नीचे मैं कमेंट बॉक्स में और नीचे दोनों जगह में लिंक दे दूंगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिससे मध्य प्रदेश पुलिस संबंधित कोई भी जानकारी और पढ़ाई से संबंधित पूरी पल पल की जानकारी आपको वहां से मिलती रहेगी। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी ग्रुप से जुड़ सकें, जिससे सभी एक साथ पता चल सके कि कौन कैसी पढ़ाई कर रहा है। इसके लिए वहाँ आपको पीडीएफ संबंधित जो मैं करेंट अफेयर संबंधित बनाऊंगा, सब डाटा आपको वहाँ मिलता रहेगा। तो हम वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। अब चलिए आपको मैं बता दूँ कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें उन्होंने क्या कहा है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखना जरूरी है डेट, एमपी कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑफिशियल हमने खोल रखा है। इसमें आप देखिए कि 18 जून को इन्होंने ट्वीट किया है, देख लीजिए क्या लिखा है कि 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती और आवास भत्ता बढ़ाकर 5,000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि भर्ती करने के लिए जल्द और 5,000 जो आवास भत्ता है वो भी आपका बढ़ा दिया जाएगा, तो आपको दुगनी खुशी एक साथ मिलने वाली है। पहले तो आपको वैकेंसी आने वाली है और दूसरा आपका आवास भत्ता बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ आप यहाँ देखिए, कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया है कि पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए और सजग प्रहरियों के जीवन में सुख लाने के लिए प्रयास किया जाएगा, यानी काम किया जाएगा। और इस जो फोटो है ना, तो आप इसमें देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक साथ कभी भी 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती नहीं आएगी, ये आपकी वैकेंसी 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में रहेगी। मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने लिखा है कि सजग प्रहरियों के जीवन में सुखी लाना है, उसका मतलब ये है, आप ये समझें कि इन्होंने क्या घोषणा की थी अपने वचन पत्र में कि मैं जो एमपी पुलिस के कर्मचारी हैं उनको सप्ताह में एक दिन का अवकाश दूंगा, मतलब एक दिन उन्हें आराम मिलेगा, उसी के लिए वैकेंसी निकलेगी, इसीलिए आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। जो अभी 5,500 पारित थी उसमें आप 10,000 से लेकर के 15,000 तक प्लस कर सकते हैं, इस हिसाब से वैकेंसी निकलेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो पिछली सरकार थी तो आय जो मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट होने की पुलिस की थी तो पहले 60 वर्ष थी, वहां से बढ़ाकर उन्होंने कितना कर दिया था, 62 वर्ष कर दिया था, जिसके कारण पिछले एक साल में बहुत कम कर्मचारी रिटायरमेंट हुए हैं, जिसके कारण कोई सीट खाली नहीं हुई है, इसलिए मात्र वैकेंसी 5,500 ही रह गई थी, कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी, जो पिछली सरकार पारित करके गई थी वही रह गई है। लेकिन पुलिस कर्मियों के जीवन में सुखी लाने के लिए जो सरकार काम कर रही है उसके लिए हर थाने में कम से कम जो कर्मचारी नियुक्त रहेंगे उन्हें एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। वैसे ही आपको पता है कि मध्य प्रदेश के सभी जो थाने या चौकी जो हैं तो कम पुलिस कर्मियों से जूझ रहा है, तो अगर सभी थानों में एक दिन का अवकाश प्रत्येक कर्मचारी को देना है तो अलग से कर्मचारी भर्ती करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि ये
10,000 से 15,000 वैकेंसी कमलनाथ सरकार की तरफ से ऐड हो जाएंगे और 5,500 वैकेंसी आपकी पहले से ही पारित है। तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 15,000 से 20,000 वैकेंसी एक साथ आने वाली है। और जो 50,000 की बात रही, ये सरकार अपने कार्यकाल के दौरान 5 साल में भर्ती करेगी। इसके लिए आप कुछ देख सकते हैं पेपर की कटिंग भी कि देख लीजिए, प्रदेश में होगी 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और आप यहां भी देख सकते हैं कि 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह से दिया है। लेकिन जो उसके पहले पेपर का न्यूज़ पेपर का कटिंग वायरल होता था, उसमें देख लीजिए 1.5 साल बाद PV कराएगा भर्ती और पुलिस कांस्टेबल के लिए देख लीजिए कि मात्र 5,500 पोस्ट ही दिखाता था, लेकिन यह पोस्ट ज़रूर बढ़ेगी। इसलिए आप तैयारी करते रहें, तैयारी ना रुकें। कम से कम 15,000 से कम तो वैकेंसी किसी कीमत में नहीं आएगी। अगर सरकार ये चाहती है कि हम एक दिन का अवकाश दें, तो आपका जो 2 साल का इंतज़ार था वो समाप्त होने वाला है। अब एक मैं आपको पीवी का ऑफिशियल साइट दिखा देता हूँ, जिसके लिए लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 29 जून से आपका ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है, आपको इसके ऊपर जाना है और ऊपर जाके आप यहाँ पे देखिए कि लिखा क्या है, एग्ज़ाम डेट लिखा है। आप देख लीजिए, इसी में आप आएंगे नीचे तो जून में आप आएंगे तो देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे कि स्टार्ट फ्रॉम कितना लिखा है 29 जून। इसका मतलब ये है कि 29 जून से आपका MP पुलिस का पेपर चालू होने वाला था, जो व्यापम का कैलेंडर आया था 2019-20 का। अब इसमें कहेंगे सब लोग कि स्टार्ट फॉर्म का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि MP पुलिस की जब जब वैकेंसी आई है तो आपको पता है कि लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच आपका पेपर होता है, तो अलग अलग डेट में अलग अलग पेपर होगा। तो इस दिन से ये पेपर का प्रारंभिक डेट था, लेकिन अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा गया है, तो आपका पेपर किसी कीमत में चालू नहीं हो सकता है। इसलिए आप अब परेशान ना हो, अब आपका इंतजार जो 2 साल का था अब वो समाप्त होने वाला है। जितना जल्दी एज वाला प्रॉब्लम सुलझ जाएगा, उतना ही जल्दी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगा और जुलाई में आपका 100% फॉर्म चालू हो जाएगा। इसलिए आप तैयारी करते रहें और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे मध्य प्रदेश पुलिस संबंधित पूरी जानकारी पल पल मैं आपको देता रहूँगा। और जो भी परेशानी आपको हो, तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि नीचे मैं एक लिंक दे दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ आप ज़रूर जुड़ जाएँ। और वहाँ आप कोई परेशानी हो, आपको कोई नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो वहाँ आप बताएं, वहाँ आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।